नोएडा में एक न्यूज चैनल के डिबेट प्रोग्राम के दौरान बीजेपी और एसपी प्रवक्ता आपस में भिड़ गए। भाजपा के नेता गौरव भाटिया ने सपा नेता अनुराग भदौरिया पर आरोप लगाया है कि एसपी नेता अनुराग ने उनके साथ मारपीट की है, जिसकी शिकायत नेता गौरव भाटिया ने सेक्टर 20 पुलिस थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने सपा नेता अनुराग भदौरिया को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि सेक्टर 16 ए स्थित एक न्यूज चैनल पर लाइव चर्चा चल रही थी। चर्चा के दौरान बीजेपी नेता गौरव भाटिया और एसपी नेता अनुराग भदौरिया के बीच तीखी झड़प हो गई और देखते ही देखते ये मामला हाथापाई में बदल गया। एसपी सिटी सुधा सिंह का कहना है कि भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया की शिकायत पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के खिलाफ कोतवाली सेक्टर 20 में रिपोर्ट दर्ज हुई है। पूछताछ के लिए आरोपी को हिरासत में लिया गया है। ये आज शाम के लगभग जी न्यूज के चैनल के जो पैनल डिस्कशन है उसमें कुछ विवाद हो गया था। उस संबंध में जो बीजेपी के गौरव भाटिया जी उनके द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसके संबंध में थाना सेक्टर 20 पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है एनसीआर में, और जो जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था अनुराग भदौरिया जी उनको हिरासत में ले लिया गया है। नहीं, हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं और जो भी इस मामले में जो भी उनका कहना है उनकी बातों को भी ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही सभी साक्ष्यों को देखते हुए उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वहीं सपा नेता अनुराग भदौरिया को हिरासत में लिए जाने के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने थाना एक्सप्रेस वे का घेराव किया, साथ ही सीएम योगी और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि जब तक सपा प्रवक्ता को छोड़ा नहीं जाता वो लोग कोतवाली का घेराव करेंगे। देखिए, आज जो है जीटीवी की डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी से बीजेपी के प्रवक्ता भाटिया ने मैन हैंडलिंग की, बदतमीजी की, मारपीट की, धमकी दी, गाली गलौच की, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनसे जान से मारने की धमकी दी। इस सब के बावजूद वहीं से बीजेपी के प्रवक्ता ने डीजीपी को फोन किया और पहली बार इतिहास में पुलिस जाकर स्टूडियो से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को उठाकर ले गई, जबकि उनके खिलाफ ना कोई रिपोर्ट थी ना कोई उनके खिलाफ जांच की गई थी। पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई कर उनको सेक्टर 20 ले गई, सेक्टर 20 से 135 ले गई, 135 से अब पता नहीं कहाँ ले गई है, हम लोगों को जानकारी नहीं है कि उस समय पुलिस कहाँ ले गई है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट को आज तक उसके रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है, और हमारी मांग है कि अनुराग भदौरिया निर्दोष है, उनको रिहा किया जाना चाहिए। वहीं सपा नेताओं का जमावड़ा देख थाना सेक्टर 20 पुलिस अनुराग भदौरिया को पीछे के दरवाजे से निकालकर थाना एक्सप्रेस वे ले गई। नोएडा से आकाश गर्ग की रिपोर्ट।